आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के वर्तमान हालत पर जो चिंता जताई है सर, हम भी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आपके 10 वर्ष के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में कितने ब्लास्ट हुए और कितने बेकसूर लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, ये शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं भूले। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ब्लास्ट, 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में 3 सीरियल ब्लास्ट, 62 लोगों की मृत्यु, 7 मार्च 2006 बनारस के संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट, 28 लोगों की मृत्यु, 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट, 209 लोगों की मृत्यु, 25 अगस्त 2007 हैदराबाद ब्लास्ट, 42 लोगों की मृत्यु, 13 मई 2008 को जयपुर का सीरियल ब्लास्ट, 63 लोगों की मृत्यु, 25 जुलाई 2008 बेंगलोर में 9 सीरियल ब्लास्ट, 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में 21 सीरियल ब्लास्ट, 56 लोगों की मृत्यु, 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 5 सीरियल ब्लास्ट, 30 लोगों की मृत्यु, 30 अक्टूबर 2008 गुवाहाटी में 18 सीरियल ब्लास्ट, 77 लोगों की मृत्यु, 26 नवंबर दुर्दांत मुंबई हमला जिसमें 10 आतंकियों ने 4 दिन तक मुंबई को बंधक बनाकर रख दिया था और 164 लोगों की मृत्यु, 13 फरवरी 2010 पुणे की जर्मन बेकरी में ब्लास्ट, 17 लोगों की मृत्यु, 21 फरवरी 2013 हैदराबाद ब्लास्ट, 16 लोगों की मृत्यु। इसके अलावा भी देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में हमले हो चुके हैं जिनका जिक्र यहाँ नहीं किया गया, और ये सब सीमा पार से आए हुए उस तुच्छे से मुल्क पाकिस्तान के आतंकवादी अपने यहाँ के सहयोगियों के मदद से कर जाते थे। सर, हम आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते थे कि शायद आप कुछ कार्यवाही करेंगे, देश में इस ब्लास्ट का सिलसिला अब थमेगा, निर्दोषों की जान जानी रुकेगी। सर, आप यूपीए या कांग्रेस के नहीं थे, आप हम सभी भारतवासियों के प्रधानमंत्री थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सर, क्योंकि आप किसी भी हमले को रोक पाने में सदैव और समर्थ रहे। हर एक हमले के बाद फिर निर्दोषों की असमय मरते देख हम भारतवासियों को बहुत गुस्सा आता था। हम सोचते थे कि सरकार अब कोई कड़ा एक्शन लेगी, लेकिन आप डोजियर पे डोजियर भेजकर हम भारतवासियों को गुमराह कर देते थे सर, और फिर ब्लास्ट, फिर देश में बेगुनाहों की असमय मौतें। शायद आपकी सरकार में आम नागरिक की जान की कोई कीमत नहीं थी सर, जो आपने कभी कड़े कदम नहीं उठाए। 2014 में हमें हमारा एक नया नेतृत्वकर्ता मिला जिसने हमें हमारी ताकत का एहसास कराया। उस नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने आते ही उन आतंकवादियों और उनके स्लीपर सेल्स की कमर तोड़ के रख दी थी। ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 2014 से अब तक देश के अंदर किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी आम नागरिक को निशाना बनाने की हिम्मत कोई आतंकवादी संगठन नहीं कर पाया। जिस सीमा के पार के आतंकवादियों
किया। उरी के हमले के बाद, पुलवामा के बाद हमारी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से पूरी दुनिया ने हमारी ताकत देखी। अब आता है वर्तमान चीन के मुद्दे पर। ये तो आपके पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की मेहरबानी है जो आपने 1962 के बाद से सीमाओं को यूं ही छोड़ रखा था। उस नरेंद्र भाई ने सीमाओं को की सुरक्षा सुनिश्चित करने वहां रणनीतिक पुल और हाईवे बनाए। आपकी सरकार ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन को देकर बिना कोई युद्ध आधा कश्मीर पाकिस्तान को परोस कर आपके जिन पूर्व नेताओं ने खुद को भारत रत्न से नवाजा है उनकी अगली पीढ़ी होने के नाते सीमा विवाद पर आपके मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं देती सर। जय हिंद जय भारत। और हाँ, मेरे इस आवाज को हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं ताकि उन्हें पता चले कि अगला वोट किस